तो आपको भी आ रहा होगा और मुझे भी, क्योंकि दोस्तों भारत ने कल एक बेहतरीन हार हारी है श्रीलंका से एशिया कप्स में। लगातार दूसरी हार हुई है भारत का ये एशिया कप्स में। और दोस्तों कल मैंने देखा जो रोहित शर्मा कप्तान थे इस मैचों के, और कोई जो एक झलकनी चाहिए थी दर्द, वो झलक नहीं रही थी रोहित शर्मा के बयानों में। और उससे भी बड़ी बात, रोहित शर्मा ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, एक बहुत ही बड़ी बात कह दी। और वो बड़ी बात ये थी कि रोहित शर्मा ने कहा क्या हो गया, मैंने जो मैच हार गया, दोस्तों रोहित शर्मा ने कहा जो मैंने 2021 में वर्ल्ड कप हारी, मगर मैंने उसके बाद सभी सीरीज जीत गए। जी हाँ, आपने जीते सभी सीरीज, मगर रोहित शर्मा जी आप ये भी बताएं जो आप किनके साथ जीते, वेस्ट इंडीज को धो देना क्या बड़ी जीत होती है, क्या श्रीलंका को अपने घर में बुलाकर पीट देना बड़ी जीत कहलाती है, क्या जिम्बाब्वे को उनके घर में जाकर धो देना क्या यही आपकी जीत है, क्या इन्हीं से आपके पूरे इंटरनेशनल में जो आप सम्मान पाना चाहते हैं वो आपको मिलेंगे? जी नहीं रोहित शर्मा जी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम बड़ी जीत दर्ज करे तो आपको मल्टीनेशनल गेम में बड़ी जीत दर्ज करवानी पड़ेगी अपने टीम्स को, और उसी से टीम्स का लेवल्स बढ़ते हैं और आपके भी बढ़ेंगे। तो आपने T20 वर्ल्ड कप्स में भी हारे और एशिया कप्स में तो अभी अभी तुरंत आपने देखा जो पाकिस्तान से भी हारे और श्रीलंका से भी हारे, और क्या कह सकते हैं दोस्तों अफगानिस्तान से भी हार जाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों मैंने कल देखा कि क्रिकेट्स के प्रशंसक जितने भावनात्मक हो रहे थे, उतनी खिलाड़ियों में 1% भी उस तरह की झलक नहीं दिखी। खिलाड़ियों का क्या है, वो कुछ समय के लिए मैदान पर मैच खेलते हैं, हारते हैं और ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं, मगर जो प्रशंसक अपनी फीलिंग्स अपनी भावनाओं को क्रिकेट के साथ जोड़ रखे हैं वो बहुत ही आघात होते हैं और दर्द उसे झेलनी पड़ती है। तो रोहित शर्मा जी और भारत के सभी खिलाड़ियों को मैं एक चेतावनी सा देना चाहूँगा, जो खिलाड़ी जी आप बेहतर खेले, जीत दर्ज करावे, क्योंकि सभी प्रशंसक का फीलिंग्स आपके साथ कनेक्ट है और क्रिकेट के साथ। अगर आप बार बार ऐसे नाकाम सोते हैं और इस तरह की बयानबाजियां करते हैं तो एक दिन जरूर ऐसा वक्त आएगा जो आपको भीख मांगने की नौबत भी आ सकती है रोड पर, क्योंकि यही खिलाड़ियां हैं को एक प्रशंसक ही जीरो से हीरो बनाते हैं। मानता हूं जो आप बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं, बेहतरीन प्रैक्टिस करते हैं, बेहतरीन अभ्यास करते हैं, बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं, मगर जीत मायने रखती है। आप क्योंकि दोस्तों देखिए, जीत और हार क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि भारत में IPL नाम से एक बहुत ही बड़ी लीग चलती है और जिनमें सभी खिलाड़ियों को IPL पर ज्यादा फोकस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि IPL में बड़े मोटे रकम से मिलते हैं और जिनके कारण सारे खिलाड़ी इंटरनेशनल गेम को छोड़ के पूरा फोकस अपने मोटा रकम कमाने पर और IPL के बेहतर खेलने में ज्यादा मौका दे रहे हैं अपने आप को, और जिससे ये हो रहा है कि इंटरनेशनल गेम्स में भारत लगातार बड़े बड़े लीग्स में हार रहे हैं और खिलाड़ियों को कुछ भी अफसोस नहीं देखने को मिल रहा है। वैसे ही विराट कोहली भी कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है, उसी प्रकार रोहित शर्मा, और देखो मैंने बात करूंगा दोस्तों ऋषभ पंत की, बार बार मौके दिए जा रहे हैं। दोस्तों आप गौर से देखना, ऋषभ पंत एक भी थ्रो जब मौके होते हैं नहीं लीड कर पाते हैं। वही थे हमारे MSD, जो कि आप तो देखते ही थे, बैक हो या फ्रंट, लेग हो या ऑफ, कभी भी टांग देते थे बिना देखे हुए। और दोस्तों अब मैं बात करने जा रहा हूं जो टीम्स के जो मिडिल्स के बल्लेबाज हैं वो सभी के सभी फ्लॉप्स हो रहे हैं। दोस्तों बहुत ही ये शर्मनाक बात है, जिन्हें हम सूर्या मानते हैं, ऋषभ पंत मानते हैं, हार्दिक पांड्या मानते हैं, लगातार फ्लॉप्स जा रहे हैं। जडेजा तो चोट के कारण बाहर ही हो गए, और उनसे भी बड़ी बात दीपक हुड्डा को दोस्तों मैंने क्यों टीम में सिलेक्ट कर रखा है जब ना उनसे गेंदबाजी करवानी है, और बल्लेबाजी तो क्या हुए, बड़े बड़े शॉट्स लगा रहे हैं, वो तो आप अपनी आंखों से देख ही रहे हैं, ना एक छक्के लग पा रहे हैं, ना चौके लग पा रहे हैं, और ना गेंदबाजी, तो रोहित शर्मा अपने आप को समझ क्या रहे हैं वो तो वही समझ सकते हैं, ना एक ओवर गेंदबाजी दी जाती है। और DK जो कि विगत 30 मैचों में अगर उनकी आंकड़ा उठाकर देख ली जाए तो 20 मैचों में वो 10 गेंदों में 30 रनों की बेहतरीन पारी खेले हैं, और जिनमें से वो IPL की गेम्स हो या फिर इंडियन क्रिकेट्स की गेम हो, सभी में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है। मगर क्यों खेलाना है, क्योंकि गेम्स अपने मर्जी से खेलना है। क्यों रखना है DK को, वो बेहतर खेलता है तो क्या हुआ, रखेंगे हुड्डा को, क्योंकि अपनी मनमर्जी चलती है गेम्स में कप्तानों की। अगर दोस्तों कल पूरे क्रिकेट खेमे में अगर एक आदमी नाराज थे तो वो हमारे थे भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़, और उनके चेहरे पर जो दर्द झलक रही थी दोस्तों आप खुद देख सकते हैं जो क्या दर्द दिख रही थी। मगर रोहित शर्मा का क्या, आए एकदम हंसते हुए, क्या हो गया, हार गए फिर जीत जाएंगे, तो ठीक है आपको प्रशंसक भी ऐसे ही देंगे बदला जरूर। और दोस्तों मैं बात करता हूं उनके बाद भुवनेश्वर कुमार की,
भुवनेश्वर कुमार पहले मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किए, मगर उनके बाद क्या उन्हें सांप सूंघ गया वो तो वही कह सकते हैं। एक लंबी लंबी तीन तीन गेंदों पर तीन तीन बाउंड्री और उनके बाद तीन तीन वाइड डालना, क्या है ये, मजाक चल रहा है? आप बेहतरीन टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं और आप क्या प्रदर्शन कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं। तो आप अपना प्रदर्शन जारी रखें और आपका जो फैन फॉलोइंग है वो भी आप पर रिलाय जारी रखेंगे। और मैं उसके बाद बात करता हूं दोस्त अक्षदीप सिंह, मैंने देखा और आपने भी देखा जो पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवर्स में अक्षदीप सिंह को गेंद थमाई जाई गई थी और उसने वो खराब प्रदर्शन किया। और क्या खराब प्रदर्शन किया, बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। क्या एक तो 18-20 साल के लड़के को आपने आखिरी ओवर सौंप दी, क्या वो 10 रन बचाने के लिए किया है, क्या करेंगे, अपने पर उन्होंने पूरे झोंक दिया। और अब और आपने देखा जो वो मैच हार गए और फिर अगली मैचों में श्रीलंका के खिलाफ आपने देखा जो फिर भुवनेश्वर कुमार को ही 19वां ओवर डाल करके, क्या आप भुवनेश्वर कुमार से आखिरी ओवर नहीं डलवा सकते हैं? क्या भुवनेश्वर कुमार के अंदर में उतने जिगर्स नहीं है, उतने गट्स नहीं है जो आखिरी ओवर में फेस कर सके टीम्स को? तो नहीं, ये सारे जो कप्तान है उनकी जिम्मेवारियां होती है जो बेहतर खिलाड़ी को बेहतरीन ढंग से बेहतर मौके दे और बेहतरीन टाइमिंग पर गेंदबाजी करवावे जिससे टीम को जीत मिल सकती है। तो दोस्तों मिला जुला कर मैंने आपको सारी बातें कह दी। आपको अगर हमारा ये वीडियो बेहतर लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बहुत ही बढ़िया लगा हो तो आप हमारे चैनल को बेल आइकन साथ-साथ दबावे। दोस्तों मैं एक बात और ही इमोशनल टाइप से कहना चाहूँगा, दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो बेहतर लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा भी मूड सॉफ्ट है क्योंकि क्रिकेट मैंने हार गया है। और दोस्तों मैं भारत के एक व्यक्ति हूँ और भारतीय के जिम्मेदार नागरिक होते कारण मुझे भी एक फीलिंग्स क्रिकेट के साथ जुड़ी है और मुझे भी भावना की काफ़ी आघात हुई है। तो दोस्तों आपको जो बेहतर लगे वो करें। थैंक यू।